बस तू ख्याल कर सिला तले ना मैं सीधा करके बाबे दे सेल मुंह दे मान लगे आयो मुंह सीधा करके बाबे सेल मुंह दे मान लगे ख्याल करे हाँ ओ यार थक्का बैठे मजदूर क्यों नहीं घेन के आया। हाँ दे इतने को आखिर से मजदूर एक भी आ घेन के आवने तू क्यों नहीं घेन आया अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे ऐसे हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं किचन में बैठा हूँ बेगम के साथ, क्योंकि जो है ना बेगम साहबा आज बना रही हैं चावल रही है। तो आपको पता है कि हम मिस्त्री भाइयों से और मज़दूरों से पूछते हैं कि आप आज क्या खाएंगे, तो जो चीज़ वो कहते हैं तो वो हम बना देते हैं। तो सुबह नाश्ता तो वो करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि दिन को हमने रोटी नहीं खानी तो हमें चावल बना के दें। तो हमने पूछा कि आप कौन से चावल बना के दें, उसमें गोश्त डालें, चने डालें, क्या डालें। उन्होंने कहा नहीं सिंपल चावल हमें चाहिए। तो अभी हम सिंपल चावल बना रहे हैं, कोई उसमें गोश्त नहीं डाले, कुछ नहीं डाले उसमें, ना चने ना कुछ। और तो रात को जो है ना एक बहुत रात को जो है ना हम डरते रहे हैं, तो वो क्या बात है आपको हम आगे चल के बताएँगे इंशाल्लाह। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। बेगम साहब से पूछते हैं कि उसके हालात अब कैसे हैं, क्योंकि वो इधर गर्मी भी है ना असल में। क्या हाल है? हेलो, ठीक है। क्या हाल है? सही ठीक है। आज तो इतनी गर्मी है, हवा चली हुई है ना। अच्छा, अल्लाह भा 11 बजे का टाइम है तो अभी छाव है, तो यहाँ पर शाम को यहाँ धूप आ जाती है। चलो अल्लाह भाई हमें खुश रखे। आमीन। भैया नवी ताजी को सुना था हमारे सुना आचा कोई नवी ताजी जी है तेरे सामने है हैं जी हाल है तेरे सामने है। अच्छा नवी ताजी कोई क्या नहीं हैं ना मैं तेरे सुना रही हूँ अभी। क्या सुनाया अभी? ये क्या सुनाया? क्या हाल करें वे नवी ताजी दे दे वेजना से सारा मिसाला ना साढ़ बामे अभी जो है ना प्यास जो है ना ग्रोन हो रही है। अच्छा बसल चीटे रंग के हैं बसल चीटे रंग दें दे एक ना को बिल्कुल सड़े सूं दे वाले ना दे ये भी सारा दे चीटे रंग के चीटे रंग के हैं और इनको काला करेंगे ऐसे जी। अच्छा तो अभी जो है ना जो चीटे रंग के बसल हैं वो अभी ब्राउन हो गए हैं ऐसे। अब इसमें क्या पानी डालोगे सीधा? नहीं हाँ इसमें अभी वो लहसुन का पानी डालेंगे। लहसुन का पानी अभी धुआं निकलेगा ऐसे ऐसे आप देखते रहना बस क्या होता है जी आप देखते रहना क्या होता है। अच्छा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमान 1 2 3 गो। ये जब आप डालते हैं ना लहसुन खुशबू बड़ी प्यारी आती है, क्योंकि हम जो सालन बनाते हैं ना उसमें तो हम कूट कर भी डालते हैं ना। हाँ। याद है जब साथ हम चाहे की शादी पे गए थे याद है तुझे दुनिया खो जा अजमल की तो उन्होंने लहसुन पूरे लहसुन उसमें मौजूद थे याद है ना जो हम वहाँ पर चावल जाके खाए थे। उस बात को 7-8 साल हो गए। हाँ तो किसी ने नहीं खाए थे पूरी ब्यादरी ना ऐसे भूखी वापस आ गई थी। हाँ ऐसे भूखी वापस आई उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें लहसुन डाला हुआ था तो किसी ने चावल नहीं खाए थे। तो अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं और हरी मिर्च लाल मिर्च ये लाल मिर्च दूसरा दिन में भूल जाती हूँ। ये तेज पत्ता डालना था इसमें चावल में अब डाल दे ये डालना पहले होता है ये वाला। हाँ
तेजपात कहते हैं, पता नहीं पत्ता, हम तो पत्ता ही कहेंगे। गरम मसाला भी इसमें डाल देंगे। एक चम्मच और भी डाल दो, गरम मसाले से ज़्यादा वो चावल टेस्टी बनते हैं। और हल्दी भी आधा चम्मच डालेंगे। बस आप इसे अच्छी तरह भुनेंगे, फिर इसे पानी डाल वो दूसरा उसमें ले आना। आलू अम्बली अच्छा पता है, जब मैंने ना हुरिया को आज वो ना लीमू नहीं होता लीमू देखा था ना आपने कैसे आंखें मार रही थी फिर जब लीमू से खिलाया ऐसा पांच से मैं डाल देना डाल दो अचार नहीं है अचार अचार डालना भी नहीं है क्यों खट्टे ज्यादा हो जाएंगे चावल अच्छा खट्टे ज्यादा हो गए चलो आपकी मर्जी। तो गर्मियों में ना ज़्यादातर बाहर नहीं जा सकता बंदा, क्योंकि हमारे तो वैसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम यहाँ अपने जो घर की रूटीन होती है वो ही आपसे शेयर कर सकते हैं। बाकी और हम क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर इतना घूमने फिरने नहीं जा सकते, तो आप पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे मेरे बहन भाई हमेशा हमें कहते हैं कि आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें जी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो जिसने बात करनी है तो हमसे रब्ता कर सकता है। तो ये हाजी साहब हैं हमारे जो सीलिंग वाले, इसे हाजी हाजी हम कहते हैं, इसने क्योंकि कितने हज किए हुए हैं, एक दफ़ा हज किया है और इसने एक दफ़ा उमरा। और हाजी साहब के काम चेक करें, पहले पूरी ढक देता है सीलिंग से, उसके बाद फिर तोड़ना शुरू कर देता है, फिर कहता है ये ठीक नहीं है, ये ऐसे ही काम कर रहा है। तो हाजी साहब जो है ना ये बस्ती ब्लॉक के है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी ये डिज़ाइन बना मसला बहुत बन जाता है ऊपर जाने को, क्योंकि वज़न मेरा ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा ना पौड़ी जो है ना, ये जो सीढ़ी जिसे हम कहते हैं, हम सराकी में से पौड़ी कहते हैं, उर्दू में इसे सीढ़ी कहते हैं, तो ये हिलना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है ना डर लगता है। अभी मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, ऊपर जा कर फिर आपसे मिलता हूँ। तो इस छत में मैं पहली दफ़ा आ जाया हूँ, क्योंकि पहले उस छत पर जाता हूँ वो सामने वाली है, उसकी सीढ़ियाँ हैं ना, इसकी सीढ़ियाँ किसी साइड पे भी नहीं है। तो अभी छत पे आ गया हूँ, माशाल्लाह यहाँ से गांव भी खूबसूरत लगता है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। तो अभी ये देखे पीछे काम हो रहा है, इस छत की ग्राउंडिंग इसलिए कर रहे हैं कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि नीचे सीलिंग हो गई है ना एक कमरे की, अब गैलरी की रहती है और इस नीचे वाले अबू वाले कमरे की रहती है। तो अबू जान कहते हैं कि मुझे ना ये सीलिंग नहीं करवानी, ऊपर से आप छत जो है ना मजबूत करवा दें और अंदर से रंग भी करवा दें, बाकी मुझे सीलिंग नहीं करवानी। मैंने कहा करवा ले कुछ नहीं होता, कहते नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, तो देखते हैं फिर। तो ये पहले जो हमने ये डिज़ाइन नीचे देख रहे ना आपने बनवाया था ना ये वाला, तो अभी इसे तोड़ेंगे, हल्का बनवाएंगे, क्योंकि इससे ख़तरा है भाई, जो मिस्त्री है ना वो कह रहे हैं कि इससे ख़तरा हो सकता है। ये वाला बहुत ज़्यादा हैवी है, वज़न है, तो यहाँ से थोड़ा सा ना ये टूटा हुआ है, ये देखो सामने लगी हुई है सामने, ये नीचे कुछ गिर सकता है पल्ली साइड पे, तो इसलिए जो है ना हमने कहा कि इसे तोड़ के ना नॉर्मल वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो वो पीछे देखे छत बन रही है माशाल्लाह से, और ये देखे हमारा गांव, अब सो रहे हैं अभी माशाल्लाह से, यहाँ से भी गांव बहुत खूबसूरत लगता है। झाड़ू लगाया जा रहा है, फ्रेश लीमू ले आए हमारे मजदूर है ना वो सामने वाले, तो उनके अपने लीमू है, तो वो ले आए, वो कहते हैं कि वो डेली के जो है ना एक दफ़ा ले आते हैं, और कहते हैं मीठा और नमकीन जो है ना पानी, सिकंजी क्या कहते हैं, सिकंजी बना के दो हमें, तो अभी उनके लिए सिकंजी बनाते हैं। सारे डालो, सारे ना डालो, इसमें ज़्यादा खट्टा हो जाएगा पानी, आधे डाल देंगे रख देंगे फिर बना देंगे। हाँ सही है, बहुत पानी है एक लीमू में, माशाल्लाह से अभी जो है ना दाम लगाते हैं चावलों को। इस
नीचे आग ज्यादा है तो इसमें पानी डाल दें थोड़ा सा। बस कर बस कर। माशाल्लाह से ये देखिए चावल कितने प्यारे बने हैं, देख सब तो खा ही रही है दबा के। भूख लगती है ना सुबह, थोड़ा सा खाना नाश्ता किया था, एक बात भी है। तो अभी दोबारा से जो ना आज गारा बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो वाला तो ख़त्म हो गया है। अभी ये गारा बना के फिर मिस्त्री मज़दूर चले जाएंगे, अभी वो खाना खा रहे हैं उधर बैठ के नीचे। तो फिर इंशाल्लाह कल आएंगे सुबह 5 बजे, फिर दोबारा से ना आधी छत मुकम्मल होगी यहाँ तक, फिर ये अबू वाली बस रहती है ये भी कल हो जाएगी इंशाल्लाह। भूख ज़्यादा नहीं साढ़े ताज थोड़ा है, शाम को आधा पानी छोड़े संभाल आया था नहीं है। ब्रिया कहाँ जा रही है ब्रिया? बिस्कुट लेने हैं दुकान पे, बिस्कुट लेने हैं ब्रिया को, बिस्कुट लेने हैं। तो रात जो है ना ऐसा कुछ बना के बारिश बहुत ज़्यादा बादल छा गए और बारिश का फुल इम्कान था। हम सोच रहे थे कि ये जो छत की सीलिंग हो रही है ना, हमने कहा कि बारिश आ गई ना तो ये ख़राब हो जाए, क्योंकि यहाँ से पानी आता है ना, ये देख रहे हैं ना सारा छतों में से पानी आता रहता है इधर से सारा। तो इस कमरे में तो और ज़्यादा पानी आता है, क्योंकि ऊपर जो है ना हमने लिपाई की थी वो ख़राब हो चुकी है। तो हम यही सोच रहे थे कि अब मुकम्मल पक्की बनवाएंगे। तो ये जो है ना, ये जो टायर लगाते हैं अंदर सीलिंग वाली, तो ये बहुत चूने की बनी होती है, इसमें पानी गिरे ना ये ख़राब हो जाती है। उनकी मेहनत भी हमारी। हाँ, तो रात को परेशानी तो बहुत बनी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सेट हो गया। ना कर यार ना कर, बुरी कोई बात क्या है। कहाँ जा रही है भैया? बिस्कुट लेने भैया, बिस्कुट खाओगी? चलो जाओ जाओ। वीडियो का भी ये पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो आप सब बहन में बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी चैनल पे हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।